अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्रेटर नाउ और मैं हूं नदीम। इस वक्त हम सोपोर में मौजूद है। यहां पे आज आशा वर्कर्स ने जो प्रोटेस्ट किया है, इसी के चलते हम जानना चाहेंगे कि क्या वजूहत है कि क्यों ये आज प्रोटेस्ट करने पे मजबूर हुए हैं। जी, आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम लैला है जी। मैं ब्लॉक सोपोर डिस्ट्रिक्ट बारामूला से हूँ। हमारी ये मांग है कि हम आज गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि जो कोविड में काम किया मेडिकल स्टाफ उनको, डॉक्टर्स को 10,000, नर्सिंग को 7,000, पैरामेडिकल को 7,000, ड्राइवर्स को 7,000, स्वीपर को 7,000, हमारा नाम किसी जगह नहीं है, क्योंकि हम फ्रंट लाइन काम करते हैं। हमारे से सब कुछ चलता है। पिछले साल भी हमने काम किया, हमारे उन 3 महीने में हमें 1,000 मिला है। इस साल जबकि हर एक गवर्नमेंट के मुलाजिम को जो इस कोविड में काम कर रहा है उनके इंसेंटिव बढ़ाए गए हैं, हमारा किसी जगह कोई नाम नहीं है। आपका ये कहना है कि आपका कहीं कोई लिस्ट में कहीं नाम ही नहीं है? किसी जगह नाम नहीं है। आप अगर फ्रंट लाइन पे काम करते हो, क्या आपको पीपीई किट्स वगैरह जो भी कोई है आपको मिला है कुछ? पिछले साल किसी को मिला है, इस साल किसी को नहीं मिला है। किसी साल जो हमने वैक्सीन किए, जो गवर्नमेंट का वैक्सीन है वो हमारी वजह से हुआ है। हम डोर टू डोर जाते हैं, हमने लोगों को अवेयरनेस दी है, लोगों को मोटिवेशन किया है। पहले कोई नहीं मानता था, आज लोग मानते हैं सिर्फ हमारी वजह से। गवर्नमेंट साहब ने हमारा कोई नाम ही किसी जगह नहीं लिया है। अब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा नाम भी किसी जगह शामिल हो। जब तक हमने आज डिसाइड किया है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम कोई काम नहीं करेंगे। मतलब जिस आज अगर हम देखें कि आप सेंटर्स पे होते हो, वैक्सीनेशन का जो ड्राइव चल रहा है, तो आपका ये कहना है कि अब हम उस हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं करेंगे। तो ये थी आशा वर्कर्स जो प्रोटेस्ट कर रही हैं कि अगर डॉक्टर्स को इंसेंटिव मिल रही है, अगर पैरामेडिकल स्टाफ है उनको हर इंसेंटिव दिया जा रहा है, तो आशा वर्कर्स को क्यों हमेशा नज़रअंदाज किया जाता है। तो आप बने रहिए मज़ीद ग्रेटर नाउ के लिए। मैं नदीम सोपोर से।